नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। फसलों के बाद अब पौधों का भी बीमा। एफसीआई खरीदेगी 50,000 टन दाल। किसानों पर फिर भारी पड़ रहा मार्च। किसानों के लिए कृषि विभाग ने बनाया नया ट्विटर हैंडल। और औषधीय पौधों की खेती से उपजाऊ बनेगी जमीनें। अब समाचार विस्तार से। फसलों की बीमा सुविधा के बाद केंद्र सरकार अब किसानों को पौधारोपण के लिए भी बीमा की सहूलियत देने की योजना बना रही है। लेकिन पौधारोपण के लिए दी जाने वाली ये बीमा स्कीम बाजार आधारित होगी, यानी शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव पर इसका असर पड़ेगा। सरकार की नई योजना के तहत काफी, रबर और चाय जैसे महंगे पौधों के लिए बीमा की सुविधा दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इससे जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पहले इस योजना को देश के 7 जिलों में बतौर पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि पौधों के लिए बीमा की सुविधा मिलने के बाद फसल खराब होने और कीमतों में होने वाली गिरावट की हालात में किसानों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। इस स्कीम की फंडिंग के लिए अलग से राशि की व्यवस्था की गई है। काफी, रबर और चाय जैसे पौधों का कारोबार बेहद महंगा होता है और मौसम में जरा सी भी तब्दीली आने पर ये पौधे झट से खराब हो जाते हैं। ऐसे में किसानों को नुकसान का खतरा हर वक्त बना रहता है। काफी, चाय और रबर की खेती से 17 लाख से ज्यादा लोगों को हर साल रोजगार मिलता है। भारतीय चाय, कॉफी और रबर की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है, इसलिए सरकार चाहती है कि किसानों को इन पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम चालू सप्ताह में करीब 240 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से मसूर और चने सहित दलहनों की खरीद शुरू करेगा, ताकि उसके स्टॉक में पर्याप्त दलहन रहे। घरेलू बाजारों में दलहन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बफर स्टॉक तैयार करने के लिए सरकार दलहनों का आयात कर रही है। दलहन कीमतों में तेजी के बाद सरकार ने 1 लाख टन रबी दलहन की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 50,000 टन की खरीद भारतीय खाद्य निगम करेगा और शेष खरीद का काम नेफेड और एसएफसी करेगी। इन सरकारी एजेंसियों ने पहले ही 50,000 टन के लक्ष्य के मुकाबले बफर स्टॉक के लिए 51,000 टन दलहनों की खरीद कर ली है। इसमें से एफसीआई ने 20,000 टन अरहर दाल की खरीद की है। चालू सप्ताह में एफसीआई दलहन खरीद अभियान शुरू करने जा रहा है। इसे 40,000 टन चना और 10,000 टन मसूर खरीदने का लक्ष्य दिया गया है। ये लगातार तीसरा साल है जब मार्च का महीना किसानों पर भारी पड़ रहा है। बारिश, ओले और आंधी से फसल चौपट हो गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश तो होगी ही, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका है। बीते 3 साल में मार्च का महीना किसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो एक दिन की बारिश और ओले से 15 से 20% तक फसलें खराब होने की आशंका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जियोग्राफी डिपार्टमेंट के अनुसार मौसम में पिछले 2 सालों में कुछ बदलावों की वजह से मार्च महीने में मानसून सीजन की तरह बारिश हो रही है। इस वक्त खेतों में गेहूं, सरसों, दालें पकी होती हैं। ऐसे में अगर बारिश और ओले गिरने लगे तो किसान के नुकसान के अलावा ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को मुहैया कराई जाने वाली मदद और उनसे जुड़ी योजनाओं की जानकारी अब किसानों को आसानी से मिल पाएगी। कृषि उत्पादन आयुक्त ने किसानों, कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तक शासन की जानकारी पहुंचाने के लिए एक नया ट्विटर अकाउंट खोला है। आज से यह ट्विटर अकाउंट काम करना शुरू कर चुका है। बाराबंकी के किसानों को केले की खेती खूब भा रही है। यहां के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर केले की खेती को अपना रहे हैं, जिससे बाराबंकी केले की खेती का गढ़ बनता जा रहा है। बाराबंकी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गंगापुर गांव के अश्विन कुमार पेशे से अध्यापक हैं। वो इन दिनों 12 बीघे खेत में केला, सेम और टमाटर की खेती कर रहे हैं। अश्विन बताते हैं कि अगस्त माह में हमने केले की फसल लगाई थी। हमने फसल के साथ सेम व फूल गोभी भी बो दी थी, जिसमें गोभी की फसल खोदकर बाजार में बेचने के बाद उसमें अक्टूबर में फिर टमाटर लगा दिया, जो इस समय तैयार है। इसी तरह सिसवारा गांव में भी कई किसान दोहरी फसल उगा रहे हैं। यहां के किसान गन्ने के साथ सरसों, चना, मटर जैसी फसलों को उगाकर लाभ कमा रहे हैं। सह फसली खेती के बारे में उद्यान विभाग बाराबंकी के अनुसार जिले में फिलहाल किसी भी सह फसली खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं चल रही है, पर अगर इस प्रकार की योजना सरकार चलाती है तो उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। अब किसानों को औषधीय पौधों की खेती करने से मुनाफा तो होगा ही, साथ ही औषधीय पौधे उनके अनुपजाऊ ऊसर जमीन को भी उपजाऊ बनाएंगे। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम ने ऊसर सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना चलाई है। परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 29 जिलों में 1,30,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय औषधि एवं सघन पौध संस्थान की सहायता से इन 29 जिलों के किसानों को नींबू घास, पामारोजा जैसे पौधों की 50,000 पौधे बांटे गए हैं। ये पौधे ऊसर भूमि से क्षारीयता कम करके उसे उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सघन पौध संस्थान के अनुसार ऊसर जमीन की मिट्टी बहुत क्षारीय होती है। जब इस जमीन में लेमन ग्रास के पौधे लगाए जाते हैं तो कुछ साल में वो उस खेत की मिट्टी को सामान्य कर देते हैं। ये फसलें 4 साल तक खेत में रहती हैं। इतने दिनों में खेत उपजाऊ हो जाता है। आगामी नवंबर से यूरोपीय बाजार में दार्जिलिंग से निर्यात होने वाली चाय के दाम औसतन 10% बढ़ेंगे। इसकी वजह जर्मनी में भौगोलिक संकेतक टैग का पूर्णतया लागू होना है। इससे केवल उत्तरी बंगाल की पहाड़ियों से उत्पादित चाय के उपयोग का रास्ता साफ होगा। जर्मनी को दार्जिलिंग की चाय की मांग के लिहाज से सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। जर्मनी को करीब 20 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात होता है, जिसके बाद सर्वाधिक निर्यात ब्रिटेन और अमेरिका को होता है। इस चाय की कीमत नीलामी में 5,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिलती है। नीलामी घरों में सबसे हल्की गुणवत्ता की चाय की कीमत भी 500 से 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम मिल जाती है। इसकी तुलना में असम CTC चाय के दाम 120 से 130 रुपए प्रति किलोग्राम मिलते हैं। भारत में चाय के सभी किस्में में दार्जिलिंग की आर्थोडॉक्स नीलामी और बिक्री कीमतों के लिहाज से विश्व में सबसे आगे है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं, लखनऊ की मंडी में गेहूं 1,650 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1,630 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज की मंडी में 1,710 और वाराणसी की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1,660 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के औसत भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2,120 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,200 रुपए, कासगंज में 2,150 और वाराणसी में चावल का औसत भाव 2,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर सरसों के औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में सरसों 3,750, कानपुर में 3,840, कासगंज में 3,930 और वाराणसी की मंडी में सरसों का औसत भाव 3,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में गुड़ 2,740, कानपुर की मंडी में 2,860, कासगंज में 2,900 और वाराणसी की मंडी में गुड़ का औसत भाव 2,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 830 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 850, कासगंज में 930 और वाराणसी में टमाटर 890 रुपए प्रति क्विंटल के औसत भाव से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के औसत भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 900 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,040, कासगंज में 1,100 और वाराणसी में 1,020 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का औसत भाव रहा। बैंगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैंगन 600 रुपए, कानपुर में 700, कासगंज में 650 और वाराणसी की मंडी में बैंगन का औसत भाव 710 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, जब कभी भी फूलों की बात चलती है तो सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है, और यदि यही पुष्प हमारी रोजी रोटी का साधन बन जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं फूलों की व्यवसायिक खेती, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ की प्रसार अधिकारी डॉक्टर गीता त्रिवेदी जी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि फूलों की व्यवसायिक खेती हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरह से लाभप्रद हो सकती है। देखिए फूलों की व्यवसायिक खेती किसान भाइयों के लिए इसलिए लाभप्रद है क्योंकि जो परंपरागत कृषि है, जैसे किसान भाई गेहूं धान आदि उगाते हैं, उसमें किसान भाइयों की उतना लाभ अर्जित नहीं कर पाते हैं जितना कि फूलों की व्यवसायिक खेती करके कर सकते हैं। मतलब जो हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं अगर उसके साथ साथ हम व्यवसायिक फूलों की खेती करें तो इससे हम अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर गेंदे की बात करें तो गेंदे की खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को किस तरह की तैयारी करनी होगी डॉक्टर साहब? देखिए किसान भाइयों को भूमि अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। भूमि किस तरह की होनी चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए खेत की तैयारी बहुत अच्छी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से किसान भाई उसमें जुताई कर लें। मुख्य बात यह है कि करीब 400 से 500 क्विंटल गोबर की खाद को भली भांति भूमि में कृषक भाई मिला लें, और नाइट्रोजन करीब 80 किलोग्राम और फॉस्फोरस और पोटाश करीब 40 किलोग्राम की मात्रा। भूमि की तैयारी करते ही समय हमें करना है। जी हाँ, इसमें नाइट्रोजन जो है वो आधा भाग खाली इस्तेमाल करें, बाकी दो जो आधा भाग बचेगा वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में उपयोग करेंगे एक महीने बाद, लेकिन आधा भाग जो है और फॉस्फोरस और पोटाश का पूरी मात्रा भूमि की तैयारी के समय मिला देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, गेंदा की अगर हम खेती करना चाह रहे हैं तो क्या कुछ प्रजातियां भी हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं? जी हाँ, गेंदे की प्रजातियां हैं। गेंदा असल में अफ्रीकन गेंदा भी है, मैक्सिकन गेंदा भी है, फ्रेंच गेंदा भी है। तो इसमें जो अच्छी प्रजातियां हैं वो गोल्डन येलो करके है, और बटर स्कॉच है, बुलेरो है, और दो बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जो हमारे यहाँ हमारे देश में विकसित की गई हैं, वो है एक पूसा नारंगी गेंदा और पूसा बसंती गेंदा। अच्छा, दोनों अच्छी प्रजातियां हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे प्रजातियों का चयन हमने कर लिया, फिर बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कैसे हम बुवाई करें? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बीज की मात्रा बहुत आवश्यक है, करीब 750-800 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है जो संकर किस्में होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी पूसा नारंगी गेंदा और पूसा बसंती गेंदा के बारे में बताया, परंतु अन्य जो किस्में उसमें करीब 1-1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है किसान भाई। अच्छा तो डॉक्टर साहब फिर किस तरह से हम बुवाई करते हैं? इसकी पौधशाला में लगाया जाता है, नर्सरी में लगाया जाता है। जी हाँ, और करीब 25-30 दिन बाद ये मुख्य खेत में लगाने के लायक हो जाते हैं। अच्छा 25 से 30
30 दिन बाद नर्सरी से फिर इसे मुख्य खेत में लगाने लायक हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या अब इसमें कुछ सिंचाई वगैरह की कब कब हमें सिंचाई करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए? जी हाँ, देखिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। जो नर्सरी जहाँ पे आप लगाने जा रहे हैं वहाँ पे नमी होनी चाहिए, और जब आप बीज बो देते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब तक अंकुरण ना हो जाए तब तक दोबारा किसान भाई उसको फिर से वहाँ पे सिंचाई ना करें, क्योंकि फिर अक्सर होता है कि वो नहीं फूट पाते हैं किले और पौधे मर जाते हैं। तो उनके निकलने के बाद जब अंकुरण हो जाए उसके पश्चात ही फिर से सिंचाई करें। अच्छा, और खेत में भी जैसा मौसम है, अगर गर्मी है और आपको लग रहा है कि नमी की आवश्यकता है तो आप जल्दी सिंचाई कर सकते हैं, नमी को ध्यान में रखना आवश्यक है। अच्छा, जब हमारे अंकुरित हो जाए, पौध लग जाए, उसके बाद भी क्या उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है? जी हाँ, मैंने बताया आपको कि जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची है, आधी तो खेत में भूमि की तैयारी के समय मिला दे किसान भाई, जो आधी मात्रा बची है उसको भी दो भागों में करीब एक महीने के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में, और जो आधी और बची है मतलब एक चौथाई वो उसके दो एक महीने बाद खेत में भरी प्रकार मिला दें। अच्छा डॉक्टर साहब, रोग एवं कीटों से हमारी फसल को बड़ा नुकसान हो जाता है, तो क्या पुष्पों की भी फसल में किसी तरह के रोग कीट लगने की संभावना रहती है? अगर गेंदे की बात करें जी, तो इस समय किस तरह के कीट या रोग हो सकता है? सुनील जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अभी जो लगी हुई है फसल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ग्रीष्मकालीन गेंदे का समय है जनवरी फरवरी, लेकिन जो शरद ऋतु के गेंदे हैं वो फूल आ रहे हैं उसमें, तो उसमें कई बार कलिका बेधक कीट आ जाता है जो पूरा का पूरा फूल कली कली के अंदर घुस जाता है और पूरे फूल को नष्ट कर देता है, उसका जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। जी, तो इसके लिए क्या करें डॉक्टर? तो उसके लिए ये करना चाहिए कि किसान भाई उसके लिए एंडोसल्फान आदि का प्रयोग करें, उस पर छिड़काव कर दें, जो उनकी इल्लियां होती हैं उनको वो नष्ट कर दें। और इसमें सबसे आवश्यक ये है कि जब भूमि की तैयारी करें, जैसे आप गेंदा लगाने जा रहे हैं तो उसके पहले ही जब भूमि को गहरी जुताई करें, गहरी जुताई करें, तो जो पूर्व में फसल लगी होगी तो उसके जो प्यूपा हैं वो सब सतह पे आ जाएंगे और वो धूप से मर जाएंगे। तो इसकी जो तैयारी है वो भूमि की तैयारी के समय से ही रोकथाम की तैयारी भी शुरू हो जाती है, शुरू कर देनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, हमारी फसल बहुत अच्छी हो इसके लिए किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, सिंचाई का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए, नमी होनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। गेंदे में महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि क्योंकि इसकी लंबाई ऊंचाई ज्यादा हो जाती है तो कई बार ये गिरने लगता है, तो इसमें लकड़ी की सहायता से स्टैकिंग कहते हैं हम, सहारा देना कहते हैं, तो सहारा देना आवश्यक होता है जैसे कि ये गिर ना जाए, इसके पौधे गिर ना जाए, ये भी आवश्यक है। दूसरा ये कि नमी खेत में बनी रहे लेकिन ऐसा ना हो कि पानी वहां भरा रहे, ये ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को। और इसकी तुड़ाई वगैरह के संबंध में भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रातः समय ही तुड़ाई करें। जी हाँ, छायादान जो छायादार स्थान है वहां पे इसको रखें, तेज धूप ना पड़ने पाए फूलों पे, नहीं तो उनकी गुणवत्ता प्रभावित होगी और वो जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान अपने जैसे गेंदे की फसल भेजते हैं पुष्पों को, तो हमें किस तरह की बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिये, गेंदा काफी लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहता है, इसीलिए गेंदा इतना ज्यादा प्रचलित भी है और बहुत अधिक उपयोग में भी आता है। बहुत अच्छे अच्छे पैकिंग आजकल आ गई हैं, कॉरुगेटेड बॉक्सेस आते हैं, उनमें गेंदे को अच्छे प्रकार से आप पैक कर सकते हैं। किसान भाई अगर उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन ना हो तो भी वो जो पेपर आता है उसको रद्दी पेपर में भी अगर कायदे से उसको पैक करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि सुबह के समय ही काटें जैसे कि वो खराब ना होने पाए, समय का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आपने गेंदे के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। अब रजनीगंधा की अगर हम बात करें तो रजनीगंधा की जो व्यावसायिक खेती हमारे किसान भाई करना चाहते हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिये, जो किसान भाई रजनीगंधा की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय शुरुआत होने वाली है, करीब 15 अप्रैल तक रजनी का समय है रजनीगंधा को लगाया जा सकता है। रजनीगंधा का जो प्रवर्धन है वो कंद के द्वारा किया जाता है, गेंदे का बीज के द्वारा किया जाता है और रजनीगंधा का कंद के द्वारा किया जाता है। और रजनीगंधा में करीब 1.5 से 2.25 लाख कंदों की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर करीब डेढ़ से पौने दो लाख की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, कंद लेते समय क्या कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, कंद लेते समय थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि करीब 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर व्यास के कंद हो। अच्छा। स्वस्थ हो, मतलब देख के भी बहुत सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं, जैसे उसमें कोई फफूंदी ना लगी हो, वो छूने में पता चलेगा कि वो ठोस हो, पिलपिलाना हो। अच्छा। तो इससे देख के भी किसान भाई इतना समझ जाएंगे कि ये स्वस्थ है कि स्वस्थ नहीं है, लेकिन हाँ उसके आकार का थोड़ा ध्यान रखें, वही 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर के जो व्यास है वो सबसे उपयुक्त
कंद रहते हैं लगाने के लिए। इसमें भी क्या कुछ प्रजातियां होती हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं? जी हाँ, इसमें प्रजातियां होती हैं। इसमें एक सिंगल पुष्प वाले, डबल पुष्प वाले और मिश्रित होते हैं, और एक स्वर्ण रेखा प्रजाति है जो काफी प्रचलित है। अच्छा, भूमि की तैयारी जैसे हमने गेंदे की थी, क्या उसी तरह से करनी है, कुछ अलग है? करीब करीब भूमि की तैयारी उसी तरह से है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी करीब 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद भूमि में भली प्रकार मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की आवश्यकता करीब करीब उसी तरह पड़ती है, 80-40 और 40 किलोग्राम की दर से प्रति हेक्टेयर, और नाइट्रोजन का आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा भूमि में तैयारी के समय मिला देनी चाहिए, और नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा है वो करीब एक महीने के बाद दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, गंध लगाने का तरीका क्या है और समय सही क्या है? बेहतर यह है कि आप मार्च में ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि तापमान घटता बढ़ने से कभी कभी समस्या आती है। विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, ये खेत में ही लगाए जाते हैं गंध, इसमें गहराई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लगभग 3 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पे इनको, कंधों को लगाना चाहिए, और वो इस बात पे निर्भर करता है कि कंध बड़ा है कि छोटा। अगर कंद बड़ा है तो उसकी गहराई थोड़ी ज्यादा होगी, अगर कंद छोटा है तो उसकी गहराई थोड़ी कम होगी। इसीलिए मैंने बोला 3 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पे उनको लगाएं। अच्छा, सिंचाई वगैरह हमें कब करनी चाहिए? सिंचाई इसमें भी यही है कि जब आप कंदों को लगाने वाले हों तो खेत में नमी होनी चाहिए, जैसे उनका अंकुरण हो पाए। और एक बार जब आपने लगा दिया तो कम से कम 2-3 सप्ताह, जब तक किले ना फूटे तब तक किसान भाई सिंचाई ना करें। अच्छा, इसमें भी क्या रोग अब कीट लगने की कोई संभावना होती है? देखिए, बहुत ज्यादा रजनीगंधा में कीट और रोगों की संभावना बहुत ज्यादा नहीं रहती है, तो इसको ऐसा करें कि कंदों का शोधन कर दें। अच्छा, लगाने से का शोधन कर, हाँ, शोधन कर दें, बीज शोधन कहते हैं, बीज ही है, तो इसका शोधन कर दें करीब 0.25% कैप्टॉन के घोल से इसका शोधन कर दें। मतलब जो संभावना है वो भी कम हो जाए, वो भी कम हो जाए, और यदि आती है तो फिर उसका तो निदान करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हम किस तरह से उसकी तोड़ाई करते हैं या पैकेजिंग में क्या बातें हम ध्यान में रखते हैं? हाँ, देखिए, इसमें भी करीब 100-100 की बनाए जाते हैं, बंडल बनाए जाते हैं रजनीगंधा के, और पानी से भरी बाल्टियों में इनको रखना चाहिए, और पैकिंग भी बहुत अच्छी कॉर्गेटेड बॉक्सेस वगैरह में करनी चाहिए, जैसे कि ये खराब ना हो और दूर तक इनको भेजा जा सके। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फूलों की व्यावसायिक खेती हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित ही लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।